वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गौड़ी बैरागण एक ओंकार सतगुर प्रसाद। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावनंग 346 ते चल रही लड़ीवार विचार सतगुरु कृपा कर रहे हैं। भगत रविदास जी दे पास कुछ विद्वान पंडितां ने आकर के प्रश्न किए कि हे भगत जी, तुसी पिछले युगों वाले कर्म क्यों नहीं करते अते वेदां पुराणां दे कहे अनुसार क्यों नहीं चलते। तो भगत रविदास जी यह पावन शब्द उच्चारण करते हैं। गौड़ी राग दी बैरागण जाति है, एक भाव अद्वैत स्वरूप जो ब्रह्म है, ओंकार सारियां दा प्रकाशक जो सतगुर कहिए गुरु साहिब जी दी प्रसाद कृपा द्वारा प्राप्त हुंदा है। सत युग सत तेता जगी द्वापर पूजा चार। सत युग विच दस रहे सारे लोग सच बोलन वाले सतवादी सन। तेता कीए त्रेते युग विच ज़्यादातर लोग जगी भाव जग आदिक कर्म करते सन। अते द्वापर युग विच पूजन किरिया भाव पूज आचार पूजा का करतव चलिया सी। तीनों युग तीनों दृढ़े कल केवल नाम आधार। सतगुरु कृपा कर रहे हैं कि तिना युगों विच लोग तिना कर्मा भाव सतयुग विच सत रख के जो करते सी, त्रेते विच जग करते ते द्वापर विच पूजा दे करतव आदिक दृढ़ करते सन। कल कहिए कलयुग विच तां केवल सिर्फ इको एक प्रभु दे नाम दा ही आधार की आसरा है। पार कैसे पाइब रे मो सौ को न कह समझाए, जाते आवागमन बिलाए रहाओ। रे कहिए हे भाई, तुसी नाम दी ओट लेंदे नहीं, इस प्रकार संसार समुंदर तो अपने आप नू किस प्रकार पार पाइबो पावोगे। मोक ये मेरे सौक ये साथ, तुहाडे विचों को भाव कोई कोई शुभ सिख्या समझा के क्यों नहीं कहिंदा। जाते जिस शुभ सिख्या तो मेरा आवा गमन भाव आना जाना जमना मरना मिट जावे, बिलाए नास हो जावे, रहाओ विश्राम दे के कृपा कर रहे हैं। बहु बिद धर्म निरूपी है करता दिसै सब लोए। हे भाई, तुहाड़े शास्त्रां विच भी बहुत बिद तरीकियां नाल धर्म दा निरूपियां दा कथन किया गया, जिवें ब्राह्मण दे ताई वेद आदिक पढ़ना पढ़ाउणा, खत्री लई जंग करनी, वैश लई खेती आदिक करनी अते शूदर लई पराई सेवा आदिक करनी। इन्हां कर्मां नूं करता करदे होए सारे लोए लोक दिस रहे आ। कवन कर्म ते छूटी है जिहे साधे सब सिद्ध होए, जिहे साधे सब सिद्ध होए। परंतु मैं तुहाडे कोलों ये पुछदा हाँ कि ओह केहड़ा कर्म है जिस दे करन तों संसार तों छुटकारा पा लईदा, भाव मुक्त होईदा है अते जिस दे साधे साधन नाल सारे कार्ज सिद्ध हो जाण। केड़े कर्म नित नमित प्राश्चित काम्या निखेध कर्म हन जिन्हां दे करन नाल छुटकारा पाईदा है अते जिस दे साधन नाल सारियां सिद्ध मुक्तियां प्राप्त हो जाण। कर्म अकर्म बिचारी है संका सुन वेद पुराण, जेकर कर्म शुभ कर्मा अते अकर्म मंद कर्मा नूं विचारना करिए तां चारे वेदां अते पुराण 18 पुराणा आदिक नूं सुन करके शक संसा पैदा हो जांदा, भाव किसे थां उपर तां गऊ नूं मार के उसका जग करना लिखिया ते किसे थां उपर गऊ दी पूजा लिखी है इत्यादिक। संसा साध हिरदै बसै कौन हिरै अभिमान,
पातशाह गुरबाणी राही फरमा रहे हैं कि हमेशा ही अंतश करन विच शक बनिया ही रहिंदा वसिया ही रहिंदा कि मेरे को इस करम विच फर्क ना पै जावे जां विधि ना भंग हो जावे इत्यादिक। जेकर कर्म हो जावे तां कहिंदा कि मैं कर्म पूरा कर लिया। इउं ऐसे अभिमान हंकार नूं किहड़ा हिरै नाश कर सकदा। बाहर उदक पखारी है घट भीतर बिबिद बेकार। सो इस पावन शब्द नूं पढ़ना है बिबिद। जेकर बाहरों शरीर नूं तीर्थां दे उदक पाणी नाल पखारीए कहीए धोना करिए परंतु अंतशकरण दे भीतर विच तां बिबिद अनेक प्रकार दे काम क्रोध लोभ मोह हंकार ईरखा द्वैष आदिक विकार जिहड़े आ विकार पए होए न। सुध कवन पर होए बो सुच कुंचर बिद व्योहार। विशेष करके सुध पवित्र किहड़ी विधि नाल होए बो होवोगे क्योंकि तुहाडी सुच पवित्रता वाला व्यवहार विहार कम तो हाथी दी बिद विधि वांगू है। जिवें हाथी इशनान करके पानी तो बाहर आके फिर अपने उत्ते मिट्टी सुआह पा लैंदा इवें ही जीव चंगे कर्म करके हंकार रूपी मिट्टी अपने उपर पा लैंदा। पातशाह धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी वैराग दी मूर्त सतगुरु जी फरमाउंदे आ ना बाणी राही तीर्थ बरत अर दान कर मन मैं धरै गुमान नानक नेफल जात तेह ज्यो कुंचर इसनान। रब परगास रजनी जथा गत जानत सब संसार। जथा तो भाव जिस प्रकार रब सूरज दे प्रगास उदय होण नाल रजनी हुंदी रात नास हो जांदी इस गल नूं सारा संसार जगत ही जाणदा। इउं परमेशर दे अपरोख ज्ञान रूपी सूरज दे चढ़न नाल अविद्या रूपी रात नास हो जाती है अते सारे संसार जगत विच उस परमेशर नूं व्यापक कहिए जानत जान लईदा है। पारस मानो ताबो छुए कनक होत नहीं बार। यह मानो मनना करो कि जदों पारस नाल तांबा छू जावे तां उसनू कनक सोना होण नूं बार देर नहीं लगदी। इसे प्रकार यह मनना करो कि जदों पारस रूपी गुरु दे नाल जग्यासू रूपी तांबा छो जांदा तदों उसनू सोने दी न्याई शुद्ध ब्रह्म रूप होण विच बार हुंदा देर नहीं लगदी। परम परस गुर भेटी है पूरब लिखत ललाट। परंतु पारस तों परम वड्डे गुरु सतगुरु साहिब जी तां भेटिया मिलदे आ जेकर पूर्बले पुन कर्मा अनुसार ललाट हुंदा मत्थे उपर चंगी लिखत पई होवे। उन मन 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 ही मिले छुटकत बजर कपाट। जिन्हां ने अपने अंतशकरण नूं संसार वलों उन मन दा उल्टा लिया उन्हां दा मन हिरदा उन मन उल्ट के मन श्रोमणी परमेशर दे मंत्र विच ही निश्चय करके मिल जांदा है ते छुटकत बजर कपाट ते उन्हां दे जेड़े बहुत वड्डे पाप हुंदे आ सो बजर सख्त जिहड़े करड़े वो कपाट तख्ते छुटकत कहीए खुल जांदे आ। भगत जुगत मत सत करी भ्रम बंधन काट बेकार। इस प्रकार जिन्हां ने भगत भगती दी जुगत जुगती द्वारा मत बुद्धि विच निश्चय कीता है उन्हां दे भरम दे बंधन जंजाल अते बेकार काम क्रोध आदिक भी गुरु जी ने कट दिते हन। सोई बस रस मन मिले गुण निर्गुण एक विचार। सोई कहिए ओही परमेशर गुरमंत्र रूप हो के जदों हिरदे विच वस गया तां उस दे करके हिरदे विच रस प्रेम पैदा हो गया अते प्रेम करके मन हिरदे विचों श्रोमणी परमेशर मिल पिया अते उदों ही परमेशर दे सरगुण स्वरूप अते निर्गुण स्वरूप एको रूप दी विचार हुंदा विचार प्राप्त होगी। अनक जतन निग्रह किए टारी न टरै ब्रह्म पास। गुरु साहिब जी दे शब्द दी कमाई तो बिना होर वेदा शास्त्रां दे अनेकां जतन उपावां अते निग्रह इंद्रियां दे दमन करन नाल
ਭਰਮ ਦੀ ਫਾਹੀ ਟਾਲੀ ਹੋਈ ਟਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ ਤਾਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਉਦਾਸ। ਇਹਨਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਖੰਡ ਰੂਪ ਕਰਮਾਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹਾਂ, ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਅੰਗ 347 ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈ ਭੰਗ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਜੋ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਸਜਾਤੀ ਵਿਜਾਤੀ ਸਵੈਗਤ ਭੇਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਓਅੰਕਾਰ ਉਚਾਰਨ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਕਾਸ਼ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਦਿ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਜਥਾ ਓਅੰਕਾਰ ਉਤਪਾਤੀ ਕੀਆ ਦਿਨ ਸਭ ਰਾਤੀ, ਸਤ ਕਹੀਏ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਆਬਾਦ ਰੂਪ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਸਤ ਸਰੂਪ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਕਹੀਏ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੁਰਖ ਕਹੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਵੈਰ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਉਸਦਾ ਮੂਰਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅਜੂਨੀ ਅਜਨਮਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਹਿ ਭੰਗ ਸੁਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਪੂਜਨੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਸੋ ਦਰ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਅਤੇ ਧਰੂ ਆਦਿਕ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤਦ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਤਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੀਜਾ ਜੋ ਸੋ ਦਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਦਰ, ਸੋ ਕਈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੋ ਤੱਤ ਪਦ ਦਾ ਲੱਖ ਅਰਥ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਦਰ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਿਆ ਜਾਣਨੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਉਸਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਦਰ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਕਹੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹੀਏ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਘਰ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇਰੇ ਕਹੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਜੇ ਸਾਜ ਵੀ ਅਨੇਕ ਬੇਅੰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਦ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਹਨ। ਨਾਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਜਿਆਂ ਨਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ ਅਤੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਹਨ। ਕਿੰਨਰ ਜਸ਼ ਗੰਧਰਵ ਆਦਿਕ ਗਵਈਏ, ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਓ ਕਹੀ ਹੈ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ,
कितने ही तुहाडे राग श्री राग माज गौड़ी आसा आदिक रागां नूं उचारण वाले हन, कितने ही परी रागणियां नूं उचारण वाले हन, अते कितने ही उन्हां रागां दे सियो उन्हां पुत्रां नूं कहण वाले भाव उचारण वाले हन, अते किन्ने ही ऐसे ही कितने ही उन्हां दे सत संतोख आदिक पुत्र कही दे आ, ते किन्ने ही जीव तेरे जस नूं गावण हारे गाउण वाले आ। गावन तुदनो पौण पाणी बै संतर गावै राजा धर्म दुआरे। हे महाराज, तुहानू पौण हवा पाणी जल बैसंतर अग्नि दे अभिमानी देवते गावन गा रहे हन। पौण रजोगुणी पाणी सतोगुणी अते बसंतर तमोगुणी वाले, पौण आहारी पाणी जल धारे करन वाले बसंतर अग दियां धूणियां तौण वाले, पौण दी न्याई पवित्र रहण वाले पाणी दी न्याई शांत रहण वाले बसंतर अग दी न्याई तेजस्वी सारे ही तैनू गाउंदे हन। हे पातशाह, तुहाडे द्वारे बूहे ते बैठा धर्म राजा भी तेरे जस नूं गा रिहा। गावन तुदनो चित गुप्त लिख जाणन लिख लिख धर्म विचारे। हे महाराज, जेड़े हिरदे विच गुप्त लुकियां गल्लां दी चित्रकारी करके लिख के जाणदे हन, वह चित्र गुप्त भी तुहाडे गुणां नूं गाउंदे हन, अते इन्हां दे लिखे हुए लेखे नूं धर्म राजा विचारदा है कि किस जीव दे किन्ने पाप ते किन्ने पुन हन। गावन तुदनो ईसर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे। ईसर शिवजी ब्रह्मा विष्णु अते देवी नौ करोड़ दुर्गा, शिवजी दी पार्वती ब्रह्मे दी सरस्वती ते विष्णु दी लक्ष्मी आदि तैनू गाउंदे हन, अते हमेशा तुहाडे सवारे किए दुरुस्त किते हुए शिंगारे हुए सोभदे हन। गावन तुदनो इंदर इंदरासन बैठे देवत आदर नाले। हे महाराज, तुहाडे जस नूं इंद्र देवता इंदरासन इंद्र दे शिंघासन ते स्थित होया तेती करोड़ देवत्यां दे दर नाले समेत गा रिहा। गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध बीचारे। गावन थोड़ा जिहा कस के बोलना नन्ने दे पैर च हलंत लगी आ। हे महाराज, सिद्धियां नूं प्राप्त करन वाले 84 सिद्ध समाधि ध्यान दे विच स्थित हो के तुहाडे जस नूं गाउंदे हन, अते विचारवान साधु महात्मा भी तुहाडे जस नूं गाउंदे हन। वैराग बिबेक खड़ संपत्ति मोख इच्छा आदिक साधना नूं करन वाले अते आत्मा दी विचार करन वाले श्रेष्ठ जन भी तुहाडे जस नूं गाउंदे हन। गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे। हे महाराज, जति जत धारन वाले छे जति अते एक गोरखनाथ, दूजा भैरो, तीजा लक्ष्मण, चौथा हनुमान, पंजवां दत्तात्रेयो, छेवां भीष्म पितामह, सती किए सतपुर तगी दशरथ ते हरिचंद वर्गे दानी, सती सतियां अनुसुईया सीता आदि वर्गियां अते चुनक रिखी वर्गे संतोखी संतोख धारन धारी तैनू गाउंदे हन, अते वीर बविंजा वीर सूरबीर करारे करड़े सुभाव वाले भी तैनू गाउंदे हन। गावन तुदनो पंडित पढ़े रखी सर जुग जुग बेदा नाले। हे महाराज, ब्यास ऋषि वर्गे पंडित विद्वान आदि उन्हां तों अगे पढ़न वाले जैमनी मुनि वर्गे अते गौतम रिखी वर्गे वेदां दियां रिचां उचारन वाले रखी सर किए रिखी राज आदिक तैनू गाउंदे हन, अते जुग जुग चारे जुगां दे चारे अवतारां अते चारे वेदां दे समेत तैनू गाउंदे हन। सतयुग विच ब्राह्मणां दा राज सी, हंसा अवतार सी अते साम वेद सी, त्रेते विच खत्रियां दा राज सी, राम अवतार अते ऋग वेद सी, द्वापर विच वैशां दा राज सी, कृष्ण अवतार होया सी अते जजर वेद सी, कलयुग विच शूद्रां दे राज विच कलकी अवतार होवेगा अते अथर्बण वेद है,
इउं चारे युगां दे वेदां दे महात्म नाल चार अवतार गाउंदे हन। गावन तुदनो मोहणिया मन मोहन सुरग माछ पायाले। हे परमेश्वर जी, पुरखां दे मन हिरदे नूं मोहन मोह लैण वालियां मोहणियां इस्त्रियां भी तैनू गाउंदियां हन। अते सुरग स्वर्ग लोक दियां अपचरां माश मात लोक दियां चितरनियां पद्मनियां आदिक अते प्याले पताल लोक दियां नाग कन्या आदिक भी तेरे जस नूं गाउंदियां हन। गावन तुदनो रतन उपाए तेरे जेते अठ सठ तीरथ नाले। हे महाराज, जितने भी तुहाडे पैदा किए हुए रतन 14 रतन अपने जौहर दिखाउण रूप गा रहे आ कि सानू भी परमेश्वर ने पैदा किया है। 68 तीरथ 68 तीरथ अते उस दे नाल वसन वाले साधु महात्मा भी तेनू गाउंदे हन। गावन तुदनो जोध महाबल सूरा गावन तुदनो खाणी चारे। हे महाराज, तुहानू जोध रथी जिहड़ा 100 जां 1000 नाल मुकाबला करदा है, महाबल कहिए महारथी जिहड़ा 10000 नाल मुकाबला करदा है, अते सूरा अतरथी जिहड़ा अणगिणत फौज नाल मुकाबला करदा है। जोधा उह है जिसने कुसंगत तों अपना शरीर बचाया है, महाबली उह है जिसने 10 इंद्रियां ते काबू पाया, अते सूरमा उह है जिसने अपने मन दे अनंत संकल्पां उपर फतेह पाउणा कीती है। जोधियां दी न्याई श्रवण करन वाले, महाबलियां दी न्याई मनन करन वाले अते सूरमे दी न्याई निध्यासन करन वाले सारे तुहाडे जस नूं गा रहे हन। गावन तुदनो खाणी चारे, भाव अंडज तों पैदा होण वाले गरड़ काक सुंड काग पछुंड आदिक, जेरज तों पैदा होण वाले मनुख आदिक जीव, सेजज हुंदा मुड़का मुड़के तों पैदा होण वाले मछोदर जो हनुमान दे पसीने तों पैदा होया दसीदा है आदिक, अते उत्पुज तों पैदा होण वाले कल्प ब्रिश आदिक सारे खाणियां दे जीव तैनूं गा रहे। गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे। हे परमेश्वर जी, तुहानूं 9 खंडा मंडल मंडलां देशां अते ब्रह्मंडां दे सारे जीव गा रहे आ जो तुहाडे ही पैदा करके अते पालना करके रखे हुए हन ते तुहाडा ही उहनां नूं धारे आसरा है। सेई तुदनो गावन जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले। हे महाराज, ओही तुहाडे जस ताईं गाउंदे हन जिहड़े तुहानूं भावन पा जांदे हन, जो आप जी विच भावन शरदा रखदे अते जो तुहाडे जगत जन तेरे रंग विच रंगे हुए रसाले रसां दे घर बने हुए हन। होर केते तुदनो गावन से मैं चित न आवन नानक क्या बीचारे। होर भी किन्ने ही तुहाडे जस नूं गा रहे हन, ओह मेरे पासों मेरे चित विच नहीं आउंदे। नानक सतगुरु साहब जी कथन करदे हन कि उहनां दी की विचार करिए। सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई। सोई कहिए ओह प्रभु जो हमेशा ही सोई शोभनीक सच्चा साहिब मालक है, ओही परमेश्वर हमेशा रहण वाला सच्चा साहिब पिछे सी, ओही सच्चा साहिब हुण है अते अगे नूं भी ओही साचा सच्चा परमेश्वर होवेगा ते सदा ही उसकी सच्ची नाई महिमा है। है भी होसी जाय न जासी रचना जिन रचाई। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁਣ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁੜੋ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਏ ਕਹੀਏ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਸੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚਾਈ ਕਹੀਏ ਰਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਰਚਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਬੇਬੇ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਰਚਨਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ
रंगी रंगी भाती जिनसी माया जिन उपाई। रंगा रंगा दी भाती हुंदा तरह तरह दी जिनसां जिमें हाथी घोड़े ऊठ मझां गावां आदिक रचना दी सृष्टि नूं माया द्वारा जिस परमेश्वर ने पैदा किया है। कर कर देखै कीता अपना ज्यो तिस दी वडियाई। ओह परमेश्वर पैदा करके पालना करके अपना दा अपने किते हुए पसारे नूं देखदा है। जिवें ही उस परमेश्वर दी वडियाई इच्छा हुंदी उवें ही करदा है। जो तिस भावै सोई करसी फिर हुक्म न करना जाई। जिहड़ा कुछ उस परमेश्वर नूं पाउंदा है ओह ही पहला करदा सी ते हुण ते अगाहां नूं भी ओह ही करेगा। मुड़ उस उपर किसी प्रकार का हुक्म नहीं किया जा सकता। उस दे हुक्म नूं फेरन भाव मोड़न का काम नहीं किया जा सकता। सो पात साह साहा पत साहिब नानक रहन रजाई। सो पात साह साहा पत साहिब नानक रहन रजाई। सो कहिए वह पातशाह पातशाह परमेश्वर शाहां दा शाह स्वरूप रूप तख्त दा साहिब मालक है। ओह परमेश्वर शाहां ते पातशाहां दा भी मालक है। गुरु साहिब जी कथन करदे हन कि सानू उस दी रजाई आग्या विच रहना चाहीदा है क्योंकि उस दी आग्या विच रहन करके उस दी प्राप्ति हुंदी है। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।